बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिला रविदास महासभा द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को सूरजकुंड अमलापुर स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संत रविदास की प्रतिमा और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसके पश्चात महासंघ के सदस्यों ने मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ, पूर्व विधायक बेचन राम, महासंघ के महामंत्री बैनी प्रसाद, मंदिर के पूर्व व्यवस्थापक पूर्णमासी सोमनाथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, श्रवण पटेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ ने मंदिर की स्थापना और महासभा के कार्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों ने अपनी समस्याओं को सीएम के समक्ष रखा, साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की सराहना की। लोगों की शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगठित समाज से ही एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की संकल्पना पूरी की जा सकती है, इसलिए हम सबको जातिवाद की राजनीति को त्याग कर एकजुटता का परिचय देना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जिला रविदास महासभा के जो भी कार्यकर्ता है, आप सभी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे रविदास मंदिर में गुरु रविदास जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उनके सहयोग में हमारे संस्था के प्रमुख पदाधिकारी जो है अध्यक्ष जी और पूजा लगी है माननीय मुख्यमंत्री जी उसके पुष्पांजलि। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। हमारे बीच में इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हुआ है और हम सभा के उपाध्यक्ष वरिष्ठ बालकरण जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे जिला रविदास महासभा के और माला पहनाकर सम्मान व्यक्त करें। हमारे जिले के महामंत्री व्यास महासभा आपसे भी अनुरोध है कि वो भी माला की वो आवे माननीय को माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सुखदेव प्रसाद भी साथ अनुरोध है कि वो भी हमारे माननीय को माला पहनाकर स्वागत करें। फागुन और माला पहनाकर माननीय का सम्मान करें। बुधराम अब इसके बाद मैं श्री सूरज कुमार भारती जी से हमको माला पहनाकर सम्मान व्यक्त करेंगे। इनके स्वागत में मैं चाहूंगा जिला रविदास महासभा के अध्यक्ष संस्था जिला रविदास महासभा गोरखपुर के तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधु, आप लोगों को इस मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षेप में हम कुछ बताना चाहेंगे। आज से करीब 70 वर्ष पूर्व हमारे समाज के पूर्वजों द्वारा 10x10 फीट के एरिया में मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कराया गया था। बाद में गर्भगृह के आसपास की अपनी जमीन को स्वर्गीय बिहारी चौधरी ने अपनी जमीन को मंदिर में दान दिया। उस समय के सामाजिक एवं आर्थिक सोच रखने वाले स्वर्गीय बिहारी चौधरी, बहादुर सिंह मघैया तथा राम प्रसाद जैसे सम्मानित लोगों ने विशेष योगदान देते हुए समाज के लोगों से 8 आने 1 रुपये उस समय बहुत इसी का होता था, चंदा इकट्ठा लेकर के रविदास जी की एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना करके पूजा पाठ करना शुरू किया तथा एक कमेटी बनाकर बैलगाड़ियों पर झांकियां निकालना शुरू किया। उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी हमारी संस्था जो पूर्ण रूप से एक सामाजिक एवं धार्मिक संस्था है तथा जो मंदिर एवं विद्यालय का भी संचालन करती है के द्वारा झांकियां निकाली जाती हैं। शहर के विभिन्न मोहल्लों से 15-20 की संख्या में झांकियां गाजे बाजे एवं घोड़ों के साथ सजकर मंदिर में एकत्रित होती हैं और फिर मंदिर से विशाल शोभा यात्रा के रूप में निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे मंदिर पहुंचकर एक विशाल सभा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बंधुओं, आप लोगों को मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि गोरखपीठ नाथ पंथ से होने के नाते
कोई भी छुआछूत एवं भेदभाव की भावना नहीं रखता है। इसी से प्रभावित होकर 50 साल पहले संत रविदास मंदिर से जुड़े हमारे लोग तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज से अपना लगाव बढ़ाना शुरू किए तथा हमारे लोग अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे। जब भी हमारे लोग उनसे मिलने जाते थे और उन्हें पता चलता था कि रविदास मंदिर वाले आए हैं तो वे तुरंत बुलवा कर अपने पास बैठाते थे और तुरंत मट्ठा मंगवा कर पिलवाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत योजना के अंतर्गत 2011 के जनगणना के अनुसार उन्होंने निःशुल्क गैस वितरण करने का गरीबों को दिया जा रहा है। वर्तमान में सभी जिस जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ये सरकार की पहल है जिसका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जी। मैं अभिनगर वार्ड सचिव संदीप कुमार गौतम आजादी के 70 वर्षों तक आज तक कोई भी ऐसा कार्य जो पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया था उन कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जैसे कि मुसहर धारू और वनटांगिया जनजाति के जो लोग विभिन्न योजनाओं से अमुक्त थे उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व ग्रामीण योजना के अंतर्गत उन लोगों को उन सुविधाओं से जोड़ करके एक पुनीत कार्य किया है जो कि समाज में एक ऐतिहासिक कार्य के रूप में गिना जा रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा बिजली का सौभाग्य योजना चलाया जा रहा है जो निःशुल्क वंचित लोगों को फ्री में कनेक्शन दिया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे मोदी जी के द्वारा जिस घर में अंधेरा है उस घर में आज बिजली के द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है जो हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा चला आ रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहूँगा साथियों, भक्त का जो स्वर्ण काल है भारत के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास में जब भक्त की अजस्र धारा संपूर्ण विश्व में हमारे पूज्य संत शिरोमण संत रविदास महाराज जी संत कबीरदास महाराज जी मीराबाई जी और हमारे जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक पूज्य गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी जब दुनिया को आध्यात्म का संदेश दे रहे थे उसी कालखंड में हमारे महर्षि संत रविदास जी का जन्म 14वीं शताब्दी में अपने जो है धर्म की नगरी काशी विश्वनाथ जो भगवान शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई है ऐसे पवित्र पावन भूमि में दुनिया की सबसे पवित्र पावन भूमि है वहाँ पर हमारे समाज में अति गरीब परिवार में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। साथियों हमारे वंशावली का संबंध नाथ संप्रदाय के संस्थापक योगी पूज्य गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी से है। मैंने जो है संत रविदास जी और पूज्य गुरु गोरक्षनाथ जी के संवाद को विद्वत में पढ़ा हूँ, संत रविदास जी के रामायण को पढ़ा हूँ और हमारा लगाव हमारे दलित समाज का लगाव आज से नहीं सदियों से गुरु गोरक्षनाथ के संस्थापक पूज्य गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी से जुड़ा हुआ है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने मैत्री करुणा का जो संदेश पूरी दुनिया को दिया पूरी मानवता को दिया आज पूरी मानवता भगवान बुद्ध के उस संदेश को अंगीकार करते हुए दुनिया में जहां कहीं भी मानवता के कल्याण की बात होती है शांति सद्भावना मैत्री और करुणा की बात होगी तो भगवान बुद्ध का स्मरण स्वतः ही विश्व मानवता को करना पड़ता है। आज का यह अवसर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि
रविदास जी महाराज के इस पावन प्रांगण में हम सबको इस आयोजन के माध्यम से एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम संत रविदास महासभा गोरखपुर के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा के बहाने से ही उन्होंने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। सचमुच ये सभी पदाधिकारी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध ने तीन संदेश दुनिया को दिए। वे संदेश अपने आप में आज भी उतने ही प्रासंगिक बने हैं जितना आज से 2500 वर्ष पहले था। उन्होंने कहा था, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी मैं धर्म की शरण में जाता हूं, मैं बुद्धि की शरण में जाता हूं और मैं संगठित होकर के यानी संघ की शरण में जाता हूं जो हमें संगठित कर सके, हम सबको एकजुट कर सके। जीवन में सबका अपना महत्व है। धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति और सदाचार के प्रति सदैव सजग करता है। एक ऐसी धारणात्मक व्यवस्था जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है वह धर्म है। और उस धर्म की शरण में मैं जाता हूं यानी नैतिकता की शरण में जाता हूं, सदाचार की शरण में जाता हूं, अपने कर्तव्य बोध का भाव जगाने वाली उस धारणात्मक व्यवस्था की शरण में मैं जाता हूं, धर्म का मतलब ये है। और भगवान बुद्ध का पहला संदेश हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारे नैतिकता के प्रति, हमारे सदाचार के प्रति सदैव आगाह करती है। भगवान बुद्ध ने ही कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध की शरण में यानी बुद्धि की शरण में, बिना विवेक के कुछ नहीं हो सकता और बुद्धि और विवेक के लिए ज्ञानवान बनना पड़ेगा। यानी हमें शिक्षा अर्जित करनी पड़ेगी, सत्संगति चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा संत रविदास महासभा को कि उन्होंने भगवान संत रविदास जी की इस प्रांगण में, मूर्त मंदिर के प्रांगण में विद्यालय की स्थापना करके इन बच्चों को यहाँ पर शिक्षित करने का बीड़ा भी पिछले कई दशकों से उठाया है। एक कार्य को ये लोग निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमें सामाजिक अज्ञानता, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कोई जवाब देना है तो जवाब हिंसा से नहीं हो सकती, वह जवाब विद्रोह नहीं हो सकता, वह जवाब केवल एक हो सकता है, हम अधिकाधिक शिक्षित बने, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उन्नति के पायदान पर ऊंचा उठाने का एक प्रयास करें। व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने का यह एक रास्ता है। और तीसरा संगठन का, अगर हम जाति के नाम पर बटे रहेंगे, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर विभाजित रहेंगे तो जैसे अतीत में देश गुलाम हुआ था ऐसे ही पुनः देशद्रोही ताकतें एक बार पुनः हावी होकर के हम सबके जीवन को न केवल संकटग्रस्त कर सकते हैं अपितु इस राष्ट्र की स्वाधीनता के सामने भी संकट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए हम सबका संगठन आवश्यक है और उस संगठन के बारे में भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले भी हम सबको आगाह कर चुके हैं। आज हम सब यहां पर आए हैं भगवान बुद्ध की पूर्णिमा के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर। आज हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है संत शिरोमणि रविदास जी के इस पवित्र प्रांगण में कार्यक्रम करने का। आप सब जानते हैं भगवान रविदास जी महाराज ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी हमारा जो मन है या हर प्रकार के बंधन और हर प्रकार के मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी यह हमारा बंधन और हमारे मोक्ष का कारण कोई है तो हमारा मन है। और इसलिए शुद्ध अंतःकरण से
हम अपने मन को जो बहिर्वृत्तियां हैं उसको नियंत्रित करके अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम कोई आचरण करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और वैसे ही ईश्वर आराधना के लिए भी संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में एक बात सामने आती है, वो स्वाभाविक रूप से अपने कर्म को प्रधानता देती थी और कर्म को प्रधानता देते समय एक बार जब वो अपना कार्य कर रहे थे तो उनके एक सहयोगी संत ने उनसे कहा कि रविदास जी स्नान करने नहीं चलना गंगा मैया के। तो उन्होंने कहा आज मेरे पास बहुत कार्य है और उन्होंने जो कठोता था जो जूता सिलने का जिसमें पानी रख करके लोग जूता सिलने के साथ अपने जो भी उससे जुड़े हुए यंत्र थे उनको रखने का काम कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे पास कार्य बहुत है और जा रहे हो एक काम करना, ये अन्नी गंगा मैया को मेरी तरफ से भी भेंट कर देना। तो उस व्यक्ति को संत को लगा कि संत रविदास क्या बोल रहे हैं, क्या गंगा मैया साक्षात खड़ी हो जाती होकर के भेंट स्वीकार करती है क्या। लेकिन खैर गया, वहां गया स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद वो देख रहा था कि लोग अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं, किसी को पुरोहित करा रहा है, कोई स्वयं कर रहा है, कोई किसी प्रकार से कर रहा है, भेंट पुरोहित लेता था और बाकी चीजें गंगा जी में प्रवाहित हो जाती थी। उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद उसने भी अपना भेंट चढ़ाया, पुरोहित ने लिया, जाने लगे, उनको याद आया कि एक कन्नी तो मुझे रविदास जी ने भी दिया था। जैसे ही उन्होंने उस अन्नी को निकाला तब तक गंगा मैया से दो हाथ ऊपर आए और उन्होंने उस अन्नी के लिए अपने हाथ फैलाए। तो उन्होंने कहा कौन, उन्होंने गंगा मैया ने कहा मैं साक्षात उनकी भेंट को स्वीकार करना चाहती हूं। गंगा मैया जब संत रविदास की भेंट को स्वीकार कर सकती है तो क्या इस समाज छुआछूत को मानेगा, मुझे लगता कतई नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि व्यक्ति किस जाति में पैदा हुआ है, महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति के कर्म क्या हैं। अगर कर्म महान है तो व्यक्ति महान है, अगर ऊंची जाति में पैदा होने के बाद व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं तो महान नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है भारतीय समाज ने समानता को सदैव महत्व दिया है। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं इस देश को आजादी के बाद देश की व्यवस्था संचालित हो इसके लिए संविधान देने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल से लेकर के आज 30 अप्रैल आज बुद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है कि आज ही के दिन आप सब जानते हैं कि 1999 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु का विस्फोट करा करके भारत की ताकत का एहसास कराया था दुनिया को। पाकिस्तान बार बार धमकी देता था भारत को, उन्होंने एहसास कराया था कि भारत को अगर परमाणु की धमकी दोगे तो भारत तुम पर भारी पड़ जाएगा। भाइयों बहनों आज यही तो हम कहने के लिए आए हैं, संगठन का मतलब ताकत से है जो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो सके। वह ताकत नहीं जो छिंकल तरीके से गरीबों को समाज के निम्न किसी भी तबके को डराने धमकाने प्रताड़ित करने के लिए जिसका दुरुपयोग होता हो। ताकत वह जो लोक कल्याणकारी हो, समाज के लिए अनुकूल हो, राष्ट्र को समर्थ और सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाता हो और इस देश को सक्षम बनाने के लिए समर्थ बनाने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल से लेकर के 30 मई के बीच
इस देश के अंदर एक अभियान चलाने का क्रम लिया। वह कार्यक्रम है ग्राम स्वराज अभियान का, जिसके अंतर्गत इस देश के 21,000 से अधिक उन गांवों को जो अनुसूचित जाति बाहुल्य हैं, उन गांवों में शासन की योजनाओं को 100% लाभार्थी योजनाओं को पहुंचाना है। जैसे कुछ नौजवान यहां पर कह रहे थे, कोई कह रहा था उज्ज्वला योजना की बात, कोई कह रहा था सौभाग्य योजना की बात, कोई कह रहा था उजाला योजना की बात, कोई किसी अन्य योजना की बात। और मैं आज जब यहां पर आया हूं, मैं यहां के प्रशासन से कहूंगा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति यहां पर है और संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति और मंदिर यहां पर है, इसको केंद्र में रखकर के संपूर्ण वार्ड को पहले चरण में प्रयास किया जाना चाहिए कि यहां पर हर परिवार के पास जनधन योजना में बैंक में अकाउंट खुल जाए। क्योंकि आज के दिन पर अगर भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो सबसे बड़ा कार्य होगा कि हम उसको नकद लेन देन बंद करवा करके उसके खाते में पैसा दें, और उसको भी अगर किसी को पैसा देना हो किसी कार्य के लिए तो वह चेक काट करके उसको भुगतान करे। जनधन योजना में शासन की योजनाएं सीधे उसके खाते में पहुंचेंगी, इसलिए जनधन योजना का प्रत्येक परिवार का अपना अकाउंट हो, यह यहां पर सुनिश्चित करने की व्यवस्था हो। दूसरा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप सब जानते हैं, पहले 2011 की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था थी, जिन लोगों के नाम उस सूची में है उन्हीं को उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन मिलेंगे। भारत सरकार ने गाइडलाइन में चेंज किया है और अब तय किया है कि जो भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा परिवार जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति का है, हम 100% रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। और दूसरा, मैं कहूंगा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर परिवार के पास रसोई गैस का एक कनेक्शन उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था प्रशासन यहां पर सुनिश्चित करवाएगा। तीसरा, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने अब तक विद्युत के कनेक्शन नहीं लिए हैं या नहीं ले पाए हैं, अगर वहां पोल नहीं लग पाया है तब वहां पोल लगाने का कार्य करके उनको बिजली का कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। जिन लोगों को कनेक्शन देंगे उन लोगों को हम लोग उजाला योजना के अंतर्गत उन लोगों को एलईडी बल्ब भी उपलब्ध करवाएं, जिससे उसके घर में बिजली की खपत कम हो। हर परिवार के पास अपना राशन कार्ड हो, अंत्योदय का या पात्र गृहस्थी का, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पेंशन योजना, जो वृद्धा है उनको वृद्धा पेंशन, जो विधवा है उनको विधवा पेंशन, तो दिव्यांग है उनको दिव्यांग पेंशन, 100% आच्छादित किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम गांव में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में आप देखते होंगे बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास केवल झोपड़ी है, जमीन है लेकिन झोपड़ी है, उसके पास आय नहीं, काय का कोई स्रोत नहीं, उनके पास खपड़े का मकान है लेकिन वो बहुत जर्जर हो गया है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाए, जिसमें 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए हर लाभार्थी परिवार को उपलब्ध होने हैं। जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें शौचालय के लिए 20,000 रुपए प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। ऐसे परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाए। जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना, यानी ये दो बड़ी महत्वपूर्ण केंद्र के द्वारा दो पेंशन योजनाएं लागू, दो बीमा योजना लागू की गई है, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मात्र 42 रुपए में एक वर्ष में 4 लाख की बीमा की गारंटी उन परिवारों को दे देता है। ऐसे परिवारों को चिन्हित करके मात्र 42 रुपए में उस परिवार को हम लोग इन दो बीमा योजनाओं से आच्छादित कर सकते हैं। अगर दुर्भाग्य से परिवार में दुर्घटना से मौत हो गई तो 4 लाख उस परिवार को मिल तो जाएगा और निराश्रित तो नहीं होगा, हमें इस योजना का लाभ उस परिवार को देना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के अंतर्गत जो नए जो नौजवान पढ़ लिख गए, किसी ने आईटीआई किया होगा, किसी ने इंटरमीडिएट पास किया होगा, कोई बीए पास किया होगा, किसी ने पॉलिटेक्निक किया होगा,
कुछ ना कुछ तो कुछ किए होंगे नौजवान, वे नौजवान जो अपना कारोबार स्वतः प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा योजना में तीन जो महत्वपूर्ण उसके फलक हैं, एक शिशु, दूसरा तरुण, तीसरा किशोर, एक में 50,000 तक, दूसरे में 5,00,000 तक, तीसरे में 10,00,000 तक, उन्हें बैंक से आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, जिससे वह अपने कारोबार के लिए कोई दवा की दुकान खोलना चाहता है, कोई डेयरी खोलना चाहता है, कोई मुर्गी पालन का, कोई बकरी पालन का, कोई शहरी क्षेत्र में मोमबत्ती बनाने का काम कर सकता है, कोई कोई अन्य कार्य कर सकता है, उस कार्य के लिए आसान किस्तों पर उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दिशा हम लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अधिक लोगों को लोन उपलब्ध कराना चाहिए। स्टैंड अप योजना के माध्यम से हर बैंक की ब्रांच को, अनुसूचित जाति जनजाति के एक लाभार्थी को और एक महिला उद्यमी को 1 करोड़ रुपए तक का लोन आसान किस्तों पर बिना गारंटी के उपलब्ध करवाना है। इसके लिए हम प्रयास करें कि बैंकों को इसके लिए तैयार करें। इतनी बड़ी योजना यहां पर लागू की गई है और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन इन सब में रुचि लेकर के अनुसूचित जाति बाहुल्य और खासतौर पर रविदास महासभा जैसे संगठनों के साथ मिलकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई एक पदाधिकारी, कोई एक कार्यकर्ता वहां पर नोडल रूप में एक प्रभारी बनकर के वहां के कार्यों को देखे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, और बाकी इस महासभा के पदाधिकारियों का सहयोग लेकर के अगर हम किसी एक वार्ड में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में केवल 10 नौजवानों को ही स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकें, स्टैंड अप के अंतर्गत केवल 4 अनुसूचित जाति के युवा को, 2 महिला उद्यमी को खड़ा कर सकें, एक वर्ष में कितना बड़ा कार्य हो सकता है। एक परिवार का खड़ा होने का मतलब 5 लोग सीधे सीधे स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से ये योजनाएं जो यहां पर आज ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पूरे देश के अंदर चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को मिले, इस दृष्टि से इस अभियान के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, अभी यहां पर विश्वनाथ जी बोल रहे थे, उन्होंने ठीक कहा, यहां पर ऐसा नहीं कि पहली बार मैं आ रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आया हूं, लेकिन इससे पहले सांसद के रूप में कई बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं उन्हें यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, जैसे रविदास मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास की बात आई थी तो हम लोगों ने यहां के लिए LED बल्ब के जो पोल है उसके डेकोरेटिव पोल स्थापित करने, कंक्रीट के बेंच के लिए, डस्टबिन के लिए, साइनेज के लिए, 4 दीवारी के लिए, टॉयलेट ब्लॉक के लिए, इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए, साइट डेवलपमेंट यानी सैंड फिलिंग के लिए, यात्री निवास के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, गेट के रिनोवेशन के लिए, कोटा फ्लोरिंग के लिए, लैंडस्केप एंड हॉर्टिकल्चर के लिए, और ये जो मंदिर है इसके रिनोवेशन के कार्य के लिए भी हम लोगों ने पर्यटन विभाग से इसका पूरा अपना DPR बनाने की कार्रवाई पूरी कर ली है, जिसमें शीघ्र कुछ में पैसा तत्काल प्रारंभ होगा, कुछ समय कुछ के में तत्काल कुछ दिनों के बाद इसमें कार्य प्रारंभ होगा, लेकिन गोरखपुर का या संत रविदास मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर के पूरे जीर्णोद्धार का कार्य हमारी सरकार करेगी और कार्य पूरे होने पर जो विश्वनाथ जी ने कहा है यहाँ पर आकर के सहभोज के भव्य कार्यक्रम के साथ हम यहाँ पर यहाँ की जनता को, रविदास महासभा से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को यह सभी कार्य करके उन्हें सौंपने का कार्य भी करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर के भगवान बुद्ध की संदेशों को, संत शिरोमणि रविदास जी के संदेशों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संदेश को आम जन तक पहुंचा करके इस समाज और इस राष्ट्र के कल्याण और उत्थान में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। जिंदा जी महाराज, जिंदाबाद।